नमस्कार मित्रों, आज एक और विषय पर आप सबसे बात कर रही हूँ। वह है कोरोना के चलते जो लॉकडाउन की स्थिति है, उसमें सबके व्यापार धंधे जैसे ठप पड़े हुए हैं। अर्थव्यवस्था पूरी बिखरी पड़ी हुई है। छोटे छोटे व्यापार, छोटे छोटे लोग अभी घर पर बैठे हुए हैं और वह सोचते हैं कि कैसे जीवन चलाया जाए। बहुत से बड़े अच्छे व्यापारी हैं जिन्होंने सालों से बहुत कुछ कमा रखा हुआ है, उन्हें शायद ज्यादा तकलीफ नहीं होती है। उन्हें सिर्फ यही देखना होता है कि उनके व्यापार को किस तरीके से वापस उन ऊंचाइयों पर ले जाए। लेकिन एक मध्यम वर्गीय परिवार जो होता है, जो उसी व्यापार से अपना जीवन चला रहा है, जो रोज सोचता है कि किस तरीके से वो उसमें से कुछ मुनाफा कमाए और अपने परिवार को पाले पोसे, अपने खर्चे निकाले, जिसे भाड़ा भी भरना होता है, लोन भी भरनी होती है, बच्चों के और खर्चे भी होते हैं, बीमारी आ गई तो भी उनके पास ज्यादा सेविंग नहीं होती है, ऐसे भी बहुत से लोग होते हैं। और इससे नीचे का एक स्तर देखेंगे, जो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं, जो रोजी पर जाते हैं। पिछले कुछ समय से सब कुछ बंद पड़ा हुआ है और ऐसे छोटे लोग, ऐसे छोटे व्यापारी जिनका जीवन, जिनका रोज का जीवन ठप पड़ा हुआ है, एक सिंपल से उदाहरण से देखें तो किसी फैक्ट्री में बहुत सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं। अब वह वर्कर जो है वो रोज की कमाई से अपना गुजरान चलाते हैं, अपने परिवार वालों को भी पैसा भेजते हैं और खुद यहाँ जो रहते हैं, जो गांव से भी यहाँ पर आए हुए हैं, वो रोज जो वो कमाते हैं, रोजी जो उनकी होती है उसी से उनका घर चलता है। वो उनसे ही अपना भाड़ा, राशन वगैरह सब मैनेज करते हैं। पिछले 1.5-2 महीने से पेमेंट का रोटेशन बंद पड़ा हुआ है। ऊपर से भी बड़े व्यापारी अगर नीचे वाले व्यापारियों को पेमेंट नहीं देते हो और नीचे वाले व्यापारी इन मजदूरों को अगर पैसा नहीं दे पाते हो, तो सोचो उनका जीवन कैसे चलेगा। वो क्या खाएंगे, अपने घर वालों को क्या भेजेंगे। इनकी मुसीबत हम कभी नहीं समझ पाते। यहाँ पे सभी व्यापारी एक ही बहाने के अधीन चलते हैं। कोरोना चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, मार्केट से पेमेंट का रोटेशन नहीं आ रहा है। जिसकी कैपेसिटी है, जो कर सकता है, वो भी अभी करना नहीं चाह रहा है क्योंकि उसके पास भी बहाना है। वह उन छोटे लोगों को नहीं देख पा रहा है जो रोज की कमाई से रोज राशन ला रहे हो। हम बड़ी बड़ी इंसानियत की बातें करते हैं, हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जाते हैं, जहां पे हमारी बड़ी तख्तियां लगती हो हम वहां पे दान करते हैं, लेकिन हम अपने व्यापार के छोटे से नियमों को, छोटी सी चीजों को नहीं समझ सकते हैं। हर एक व्यापारी अगर अपनी जिम्मेदारियां ले ले, इन बहानों से जीना, इन बहानों से चलना अगर छोड़ दे, तो कभी भी ये छोटा आदमी, कभी भी ये छोटे लोग मुसीबत में या तकलीफ में नहीं आएंगे। लेकिन हर कोई अभी एक ही बहाने से चल रहा है। मार्केट में रोटेशन नहीं है, पैसे घूम नहीं रहे हैं और अभी कोई पेमेंट नहीं हो रही है। आगे से पैसा आएगा तो नीचे जाएगा। हो सकता है परिस्थितियां वास्तविक हो, लेकिन ऐसा भी तो नहीं होता है कि आप छोटी सी रकम भी जमा ना कर पाए, आप छोटे से रोटेशन में भी आप अपना हिस्सा ना दे पाए। सबको डर लगा रहता है, जिसने बहुत पैसे कमाए हैं उसे डर लगा रहता है कि अगर लॉकडाउन आ गया, 2-3 महीने अगर सरवाइव करना पड़ा, तो अभी जो हाथ पर पैसे पड़े हैं उसको जमा करके रखो, उसको बचा कर रखो। वो होने के बावजूद भी देना नहीं चाहता है,
सोचो आप अर्थव्यवस्था की धज्जियां उड़ा रहे हैं। यहाँ पर आपका रोल है अर्थव्यवस्था को, देश की, दुनिया की अर्थव्यवस्था को इनिशिएट करना, इन्फ्लुएंस करना, और आप एस्केप कर रहे हैं, भाग रहे हैं अपनी जिम्मेदारियों से, अपने फर्ज से। आप नीचे जो छोटे व्यक्ति चल रहे हैं उनको नहीं देख पा रहे हैं। आप अपने गाड़ी में, बंगले में, महल में आप आराम से रह रहे हैं। आप उन छोटे व्यक्तियों के दर्द को नहीं समझ पा रहे हैं जो मजदूर हैं, जो छोटे व्यापारी हैं। हम बड़े बड़े दान करने जाते हैं, हम बड़ी बड़ी तस्वीरें खींचाते हैं, बड़ी तख्तियां लगवाते हैं, वहां से हमारा ईगो सेटिस्फाइड होता है, लेकिन हम इतनी छोटी सी इंसानियत नहीं दिखा सकते हैं। पिछले कुछ महीनों में, पिछले कुछ समय में जो प्रॉब्लम्स फेस की है बहुत से लोगों ने, जो प्रॉब्लम्स फेस की है उसकी यही रियलिटी है कि जो पैसे लेकर बैठा हुआ है वह भी देना नहीं चाहता, क्योंकि वह इनसिक्योर है। भविष्य में क्या होगा अगर ये कोरोना लंबा चला तो, अगर पैसे की ज्यादा जरूरत पड़ गई तो, हमारे घर में, हमारे परिवार में कोई बीमारी आ गई तो। हर एक व्यक्ति बहाने से चल रहा है, हर एक व्यक्ति अपनी आंखें मूंद कर चल रहा है, उसे नहीं देखना है मैं सेफ हूं ना, मैं अभी जिंदा हूं, मैं अभी बचा हुआ हूं, मेरा जीवन, मेरी लाइफस्टाइल अगर मैं अभी मेंटेन कर रहा हूं, नीचे वाले छोटे व्यक्ति क्या कर रहे हैं उसे मेरा कोई लेना देना नहीं। और हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं इंसानियत की, कोई इंसानियत हम नहीं दिखाते हैं। यह मैं किसी पर्सनल विषय पर नहीं बोल रही हूं, मैं किसी को पर्सनली नहीं बोल रही हूं, यह सार्वजनिक है। हर एक व्यक्ति को सोचना पड़ेगा जो भी इन सिचुएशंस में से गुजर रहा है या जो भी ऐसे व्यवहार कर रहा है, उन सबको समझना पड़ेगा। हमारा सूरत टेक्सटाइल हब है, पूरी दुनिया में यहां से कपड़ा बनता है और एक्सपोर्ट होता है। यहां पर जितना बड़ा व्यापार, जितने लोग यहाँ पर पैसा कमाते हैं या पैसा कमाने में गांव देश को छोड़कर आते हैं, वह मजदूर हमारे लिए हमारे ही लोग हो गए। जब हमारी अच्छी परिस्थिति होती है यही लोग हमारे लिए काम करते हैं, इन्हीं से तो हम आज इतने बड़े हुए होते हैं। और जब अब आज ऐसा समय आता है तो हम इनकी तरफ ध्यान नहीं देते। मेरा खुद का अनुभव हो गया है, पिछले 1.5 महीने से मैं एक एक व्यक्ति के सामने हाथ जोड़ रही हूं कि मुझे रोटेशन दो, पेमेंट दो, जो भी अपना पेमेंट बन रहा है वो दीजिए, ताकि मैं इन मजदूरों को अपने गांव भेज पाऊं, मैं इनके जीवन में, उनके घर में, उनके राशन पानी का की व्यवस्था कर पाऊं। लेकिन जो भी बड़े लोग हैं, जो पैसे कमा कर बैठे हुए हैं, जिनको कोई तकलीफ नहीं है, जिनके बड़े बड़े नाम है, वो भी 10,000 छोड़ नहीं पा रहे हैं, जबकि यह भीख नहीं मांगनी होती है, यह अधिकार है। यह मजदूरों के लिए हमारा फर्ज है, हम नहीं कर पाते हैं और ना ही कोई बोलना चाहता है। क्या करें इन सिचुएशंस में? आप उन्हीं चीजों को बार बार बोलते जा रहे हैं, पेमेंट नहीं है, रोटेशन नहीं है, मार्केट से पेमेंट नहीं आ रहा है, सब कुछ ब्लॉक पड़ा हुआ है, आप उन्हीं चीजों को बार बार बोलते जा रहे हैं। सोचो, जिस लक्ष्मी को आप मैनिपुलेट कर रहे हैं, क्या वही लक्ष्मी आपके काम आएगी? क्या वह पैसा आपका जीवन बचा पाएगा? कभी नहीं बचा पाएगा। आपको लगता है यह पैसा आपको जीवन दे पाएगा, आपको सुकून दे पाएगा? कभी नहीं दे पाएगा। इनसिक्योरिटीज को छोड़िए, इंसानियत को अपनाइए। जो जो अपना योगदान दे सकते हैं, जो जो दूसरों के लिए कुछ कर सकते हैं, वो करना शुरू करिए। यहाँ पे कोरोना की बड़ी बड़ी बातें या बड़े बड़े लेक्चर्स की जरूरत नहीं है, यहाँ पे छोटी सी इंसानियत की जरूरत है। कुदरत भी हमें यही सिखाती है कि जागो, इंसान बनो, आप भूल चुके हो, आप इंसान नहीं हो।
पैसे के पीछे इतने पागल हो रखे हो, इतने दौड़ रहे हो, इतने इनसिक्योर आप हो रहे हो, आपको लगता है यह पैसा आपको बचा पाएगा, यह पैसा नहीं बचा पाएगा आपको। इसका सीधा सा उदाहरण है, देखिए कोरोना हमें क्या दिखा रहा है, यह महामारी हमें क्या सिखा रही है। कितना भी पैसा आपके पास हो, आपका जीवन वो नहीं खरीद सकता। लेकिन आपने अगर थोड़ी सी इंसानियत दिखाई हो, आपने अगर थोड़ा सा अपने से नीचे वाले लोगों का ध्यान रखा होगा, उनकी दुआएं आपको जरूर बचा लेगी। इंसान बनिए इंसान। धन्यवाद।